पीएचडी कोई सब्जी वाला चल रहा है, पीएचडी करी हुई उसने और वो सब्जी बेच रहा है। यहाँ पर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, जब तक हमारे पास रियल एजुकेशन नहीं होगी तब तक हमारा कुछ नहीं बनने वाला। अब ये देखो, जो आदमी ने पीएचडी कर ली है सब्जी वाले ने, तो वो क्या पीएचडी करने के बाद उसकी जिंदगी सेट हुई? समोसे बेचने वाला बंदा 95 में उस टाइम भी वो 3-4 हजार रुपए रोज के बनाता था। सबसे पहले ही अपना काम देखना शुरू कर दें। हाँ दोस्तों, राजवंत सिंह मौलिक प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो मैं डिग्री वर्सेस एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब रियल एजुकेशन, रियल एजुकेशन का मतलब सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और इसको फाइनेंशियल एजुकेशन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्ता रहती है। सो मैं डिग्री और एजुकेशन में क्या फ़र्क निकाला है कि अभी इन दिनों में पंजाब में 10-12 दिन से एक पीएचडी कोई सब्जी वाला चल रहा है, पीएचडी करी हुई है उसने और वो सब्जी बेच रहा है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, मतलब फॉर्मल डिग्री जो मिल रही उसने उसका कोई फायदा नहीं। इतना कुछ करने के बाद LLB, मतलब उसमें PhD LLB है, मतलब कानून में भी उसने उसकी PhD है, और ये कानून में PhD होने के बावजूद भी उस बंदे को सब्जी का ठेला लगाना पड़ रहा। तो दोस्तों सिंपल बात ये है कि जब तक हमारे पास रियल एजुकेशन नहीं होगी तब तक हमारा कुछ नहीं बनने वाला। डिग्रियां हमें जॉब की तरफ लेके जाती हैं और जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि उतनी जॉब्स है नहीं जितनी जॉब्स रिक्वायर्ड है, जितनी जॉब्स की जरूरत है उतनी जॉब्स है नहीं। तो जब भी हम बचपन से शुरू करते हैं तो हमारे जो माँ बाप है या हमारा समाज है वो इस तरफ हमें लेके जाता है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे नंबर लो, अच्छी डिग्रियाँ लो और नौकरी कर लो ताकि आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। अब ये देखो, जो आदमी ने पीएचडी कर ली है सब्जी वाले ने, तो वो क्या पीएचडी करने के बाद उसकी जिंदगी सेट हुई? यदि उसने सब्जी ही बेचनी थी तो पीएचडी तक जाने की जरूरत क्या थी? चलो मैं ये भी कहता हूं कि उसने पीएचडी कर ली, डिग्री है, समाज में उसका रुतबा बढ़ गया कि उसने पीएचडी करी है, तो सब्जी बेचने में जो उसको तकलीफ हो रही है मेरे हिसाब से वो तकलीफ यदि ना हो तो ज्यादा बेटर। तकलीफ होने का मतलब यह है कि वो समझ रहा है कि मैं पीएचडी की हुई है, मेरे को 1-2 लाख रुपए सैलरी वाली जॉब मिलती तो मैं सेटिस्फाई होता। तो भाई जॉब मिलती नहीं है, आपको पता ही जॉब का क्या बुरा हाल है, जॉब ने मिलना नहीं और जॉब के बदले में जब हम इतनी डिग्रियां ले लेते हैं तो हमें फिर बहुत तकलीफ होती है कि हमें अपना काम करना पड़े और छोटा काम करना पड़े, जिसको ये छोटा बोल रहे हैं। हो सकता है ये बंदा सब्जी बेच के एक पीएचडी वाले दूसरे बंदों से ज्यादा या सरकारी नौकरी वाले से ज्यादा पैसे कमा रहा हो, ये कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके मन में ये जरूर चल रहा है कि मैं सब्जी बेच रहा हूँ जी, मेरे को पीएचडी की हुई है, मैंने लॉ में पीएचडी की है, मेरे को ये होना चाहिए था, मेरे को प्रोफेसर लगा होना चाहिए था। ठीक है भाई, प्रोफेसर लगा होना चाहिए था लेकिन नहीं प्रोफेसर की जॉब मिली तो क्या दिक्कत है? ये काम अपने काम में कहाँ कहाँ बुराई है? यदि हम अपना काम करेंगे, यदि हम ऐसी एजुकेशन देंगे जिसमें हमें छोटा बड़ा ना दिखना पड़े, मतलब छोटा बड़ा हमें ना होना पड़े, तो हम जरूर ही तरक्की कर लेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे मोहाली में 95 में समोसे बेचने वाला बंदा 95 में उस टाइम भी वो 3-4 हजार रुपए रोज के बनाता था। तो अभी भी कोई, मतलब मैंने राकेश गुलाटी की बात करी, जो बंदा अखबार गिराता था, अखबार फेंकता था मेरे घर पे, वो मेरी सैलरी से भी ज्यादा पैसे कमाता था छोटे छोटे काम करने के बाद। पंगा ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना, एक्सपेक्टेशन थोड़ी अलग तरीके की है। हम बेरोजगार इसलिए हैं कि हमें पसंद की जॉब नहीं मिली, यदि हमें पसंद की जॉब हो तो हम बेरोजगार नहीं होते। यदि पसंद की जॉब इनको मिल जाती, टाई वाली जॉब मिल जाती तो ये डेफिनेटली इनने खुश होना था, लेकिन अभी भी वो चलो सब्जी बेच रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा, एक मैसेज तो जा रहा है कि भाई यदि आपने पीएचडी करके भी सब्जी बेचनी है, ये वर्क कल्चर को प्रमोट कर रहा है कि वर्क कल्चर हमारे अंदर होना चाहिए। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं, काम काम होता है,
काम से मतलब है, जहां से हमें पैसा मिलना है, रोजगार होना है, हमारा लिवलीहुड शुरू होनी है, हम अपने बच्चे पालने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, यदि उसमें से कमाई अच्छी हो रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ाई का जो मैं पहले से कहता हूं कि जो जो डिग्री होल्डर है और रियल एजुकेशन में बहुत फर्क है। इस भाई से मेरे को यह शिकायत है कि ये PhD करी है इसने, तो PhD करने तक ये प्राइवेट ट्यूशन भी देता, किसी मैट्रिक वालों को भी शुरू कर देता, कहीं बैंक वालों की तैयारी करनी शुरू कर देता, कहीं और शुरू करवा देता, तो भी ये इसको अच्छी इनकम शुरू हो जाती और अच्छा इसका बिजनेस चल सकता था। सो इसने पता नहीं इस कहां प्रॉब्लम आई है कहां नहीं आई, जो PhD इसकी उम्र भी लगभग 40 के आसपास है, जो बंदा सब्जी बेच रहा है, आप वीडियो में देख सकते हो, वीडियो में मैं डाल रहा हूं उसमें साथ में, तो 40 के आसपास होने के बाद बंदा सब्जी बेच के अपना गुजारा कर रहा है। मेरे को खैर इतना बुरा नहीं लग रहा, इसका कोई बात नहीं, क्योंकि वर्क कल्चर तो है ही है। यदि हम काम करेंगे, काम करने करते जाएंगे तो काम करते जाएंगे तभी हमारा आगे भला होने वाला है। यदि हम डिग्री करके जॉब की उम्मीद करेंगे तो ये जैसे PhD वाले का हाल हुआ है तो उसी तरीके से हमारा हाल होने वाला है। सो जॉब की ज्यादा उम्मीद मत करें, जॉब से पहले ही अपना काम देखना शुरू कर दें, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाई थी जॉब इज ए बिग स्कैम, क्योंकि जॉब इतनी पढ़ाई करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती, और यदि मिली 30-35 हज़ार रुपये की मिली, 1000 रुपये रोज की, तो उसमें फिर गुजारे नहीं है, उसमें स्टेटस नहीं। तो इसलिए जो काम जो वर्क कल्चर है उसको ही प्रमोट करने की बात करूंगा मैं। तो मैं मेरे हिसाब से इसमें कोई बुराई नहीं है, यदि ये सब्जी बेच रहा है कोई और काम कर ले, सब्जी का काम अच्छा नहीं, पसंद नहीं है इसको, तो PhD इतनी पढ़ाई लिखाई है तो और एजुकेशन में भी आ सकता है, एजुकेशन में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और एजुकेशन में अच्छा पैसा बंदे बना रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं लोग। सो दोस्तों आज के लिए इतनी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा, तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।